शामली में 50 लाख की फिरौती के लिए पारिवारिक चाचा ने बीटेक में पढ़ने वाले अपने ही भतीजे का अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरण बीटेक के छात्र अविरल बंसल को छुड़ा लिया। वहीं इस मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बदमाशों की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस की इस सफलता पर छात्र के परिजनों ने शामली पुलिस का आभार व्यक्त किया है। एक बच्चे का अपहरण हुआ था, क्या प्रकरण? हाँ, ये थाना कोतवाली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अविरल बंसल हैं, जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए रोहिणी दिल्ली जा रहे थे, वो लापता हो गए थे। तो इस पे हमारी पुलिस ने मामला इसको दर्ज किया था। बाद में जानकारी हुई, जांच पड़ताल हुई, तो ये मामला अपहरण का निकला और ये जानकारी मिली कि पानीपत से अज्ञात बदमाशों ने अविरल बंसल का अपहरण कर लिया था। इस पे हमारी पुलिस टीमें लगीं, तमाम तकनीकी ज्ञान का इसमें प्रयोग किया गया और आज मुखबिर की सूचना पे, सटीक सूचना पे जब हमें लोकेशन मिली, सटीक लोकेशन मिली हसनपुर लुहारी के पास ईख के खेतों में, तो हम लोगों ने, हमारी जो थाना प्रभारी भवन के हैं संदीप बालियान और स्वाट के प्रभारी सत्यपाल सिंह, इनके नेतृत्व में टीमें गठित हुई और 4 टीमें लगातार इस पर काम कर रही थी। आज इसको घेराबंदी करके बदमाशों को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश किया गया और सबसे पहला मकसद था हमारे जो ये अपहृत हैं अविरल बंसल को सकुशल बिना किसी खरोंच के बरामद करना, उसमें हमारी पुलिस टीम कामयाब हुई है। लेकिन इस जद्दोजहद में, मशक्क़त में बदमाशों ने उधर से फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में और बचाव में, आत्मरक्षा में, और इस अपहृत अविरल बंसल को सकुशल बचाने के लिए हमारी पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें से 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी हुई है। घायल बदमाशों को तत्काल इस CHC थाना भवन ला करके एडमिट कराया गया है, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। और साथ ही साथ आपके सामने ये देखिए, हमारे जो अविरल बंसल हैं, जिनको हम लोग, शामली पुलिस ने सकुशल बरामद किया है और आज इनको परिजनों के, इनके सुपुर्द किया जा रहा है। इनके पिताजी स्वर्गीय हो चुके हैं, श्री कुलदीप बंसल जी, पिछले साल, और उसी दरमियान किसी इंश्योरेंस के मसले में इनके घर में कुछ रुपये आए थे इनकी माँ के अकाउंट में। और इनका जो एक मुख्य अभियुक्त है, इसमें अभी नाम आया है सामने, बब्बू उर्फ मोहित, ये जो है इनका पुराना ड्राइवर रहा था, उसको पूरी जानकारी थी और इसी रुपयों के लालच में इसने पूरा ये कहानी रचा था, जिसमें से दो तीन लोगों को और साथ में लिया। 2 लोग मुजफ्फरनगर ज़िले के थाना भौरा कला के निवासी पाए गए हैं। ये 3 बदमाश मुख्यतः इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके अलावा एक बदमाश जो कार पर बिठा करके सभी को ला करके एक के खेत में डाल गया था, उसकी अभी तलाश जारी है, उस बदमाश की तलाश जारी है और उस कार की बरामदगी अभी शेष है। लेकिन बाकी इन बदमाशों को बिल्कुल, पुलिस मुठभेड़ में वो बदमाश घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। जो हमारे ये हैं, इनको हमने सकुशल बरामद कर लिया है और साथ ही साथ भारी मात्रा में असलाह कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस पे, इस बड़ी सफलता पे हमने शामली पुलिस की जो हमारी टीम है उसको 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। जो वैधानिक कार्यवाही है वो प्रचलित है, आगे और भी टीमें काम कर रही हैं और भी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा।